نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما मोमिन की सिफात बयान हो रही हैं और मोमिन की एक बड़ी सिफत यह है कि वो किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करते इस कायनात की सारी क़वतें यकजा हो जाएं अल्लाह ताला की त छोड़ के तो कोई जान नहीं पैदा कर सकती कोई जी रूह नहीं बना सकती है तखलीक का वो अमल जो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ले रखा है और अपने आप को खुद मुख्तफ जगहों पर अल्लाह ताला ने अपनी तोहिद के लिए जिस लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल किया है वह है खालिक का लफ् खलक़ का लफ्ज़ अल्लाख्लाकलीम सिर्फ खालिक नहीं खल्लाक है और मोमिन जब अल्लाह ताला की ज़ात का सही तस्वर पा लेता है और उस जात से अपने आप को बांध लेता है और हर चीज़ में उसी ज़ात की तरफ मुड़ता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मोमिन फिर उस जात की तख्लीक की हुई चीज़ों को कतई नहीं नुकसान पहुंचाता है कतई नहीं छेड़ता है कतई नहीं उनको जो है तहोबाला करता है कि खुद खालिक कायनात ने शार हकीकी ने इस बात की इजाज़त दी हो कि हाँ तुम इसको हटा दो दूर कर दो तुम्हें तो इस चमन का माली बनाया गया है तुम यहाँ से ये घास फूस हटा दो ये खसो खाशात दूर कर दो ये कांटे जो रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं अल्लाह की ज़ात की पहचान में उनको हटा दो वरना किसी को यह हक नहीं है अल्लाह ताला की पैदा की हुई इस तखलीक में अपनी तरफ से कोई तहरीफ करे कोई तशरीफ करे कोई तब्दील करे और मोमिन इस पहलू को बहुत ज्यादा अपनी निगाहों के सामने रखता है कि कहीं कोई उससे ऐसी हरकत ना हो कि जो नाहक अतल का बायस बन जाए इंसानी नफ्स की हुरमत मखलूक़ात की जानों की हरमत बेजा जया जिसकी ज़रूरत ना हो और आज इंसान ने जिन राहों पर अपने आप को चला करके माहौलियात को बर्बाद कर डाला है उसके लिए ये आयत एक बड़ा सबक है मुसलमानों के तवसुत से ममिन के तवसुत से ये बता करके कि कत्ले नफ्स कितना बड़ा जुर्म है इनकलाब जब अल्लाह के नबी लेके आए तो वो एक ऐसा इनकलाब है जो सारी दुनिया जानती है कि कम से कम यानी इतने बड़े इनकलाब के लिए जिसका रकबा लाखों मेल पर लाखों करोड़ों इंसानों पर फैला हुआ था उसमें चंद सौ चंद सौ चंद हजार नहीं चंद सौ लोग कतल हुए वो भी कब जब वो इस इनकलाब की राह में रोड़ा बने जब उन्होंने इस इंकलाब इस को बजोरे ताकत रोकना चाहा और इस इनकलाब के दायन को दबाना ही नहीं कत्ल करना चाहा, तब जाकर के ये कदम उठाया गया हम देखते हैं कि आज इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तु जगहों पर हमारी ये तरबियत की है फ़िक्री तरबियत अमली तरबियत कि हम इस कायनात को बनाए हैं अल्लाह ताला कह रहा हमने इस कायनात की तख्लीक़ की है और इसमें हर चीज़ की तकदीर की है हर चीज़ का हमने एक वैलू दी हुई है हम और उस वैलू के तहत वो चीज़ इस कायनात में पैदा की गई है और उस लिहाज से वो अपना काम अंजाम देगी वो लोग जो इस वैल्यू को डिनाई कर देते हैं जो इस वैल्यू से दूरी पैदा करके इनकी तबाही का बाइस बनते हैं उनके लिए जो क़ुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज है फसाद का बर्बादी का अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम में फसाद पैदा करना ये बजाय खुद कत्ल है एक ऐसा फसाद जिसकी वजह से माहौलिया तबाह हो जाए जिसकी वजह से मुआरे तबाह हो जाए जिसकी वजह से सोच बर्बाद हो जाए जिसकी वजह से बेहयाई फैल जाए जिसकी वजह से जो है इंसानी रिश्ते तबाह हो जाए जिसकी वजह से बेहयाई मर्द जन इस तरह से फैल जाए कि ये एहसास ही ना रहे कि हया क्या है शर्म क्या है दूद क्या हैं? अल्लाह ताला ने किस चीज को हमारे लिए जायज किया है किस चीज को नाजायज किया है वो कहां है जहां जाकर के हृदय खत्म होती हैं वो क्या है जहां से हृदय शुरू होती हैं इन्हीं हदूद का को दोबारा मोमिन अपने दिल में ताजा करे और वो चीजें हैं जो माहौल को बर्बाद और खराब करती हैं समाज को जो तबाह और बर्बाद करती हैं उनका बड़े खूबसूरत अंदाज में इस आयत में इस टुकड़े में जिक्र किया गया है एक तो यह नफ्स अल्लाह की तखलीक में कोई तब्दीली नहीं नफस की एक शकले, शकले तो वो हैं जो आजकल हमारे यहां इबारशन की शक्ल में और मुख्त तरीके से मान हमले की शक्ल में और दूसरी शक्लें हैं जिसके जरिए से फैली हुई हैं समाज के अंदर कतल नफ्स की और बड़ी शक्ल जो फैल गई है क्या है माहौलियात की तब्दीली से लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग हर साल मर रहे हैं ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं कैंसर की ट्यूबरक्लोसिस की ब्लड प्रेशर की डायबिटीज की और ऐसे जरासीम पैदा हो रहे हैं मलेरिया की शक्ल में कोरोना की शक्ल में ये सारी क्या चीजें हैं ये सारी सारी वो चीजें हैं जो कतले नफ्स का बाइस बन रही हैं और ये मोमिन की जिम्मेदारी है हमें तो यही अफसोस हो रहा है कि मोमिन अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझ रहा है सबसे पहले उसने अल्लाह के तस्वर को अपने अंदर बहुत कमजोर कर लिया वो हर जगह अपने हाथ को फैला रहा है नहीं फैला रहा है तो वो जो अल्लाह की जात है उसके बाद फिर वो कत्ले नफ्स पे आमादा है और अगर किसी वजह से कत्ले नफ्स कहीं और से हो रहा है तो उसके अंदर ये ताकत नहीं है कि उस कत्ले नफ्स को वो रोक सके दूर कर सके कहीं से दूर दूर तक सुनाई नहीं पड़ रहा है कि किसी मोमिन किसी मुस्लिम माशरा की तगोद का नतीजा है कि भलाइया पैदा हो रही हैं नतीजे में कुछ हासिल हो जाए इस्लामी और ईमानी आमाल की वजह से कुछ चीजें हासिल हो जाए वो अपनी जगह है मगर हमारी तगोदो उसके लिए खत्म है तो मैंने कतले नफ्स को फैला दिया है आपके सामने कि कतले नफ्स सिर्फ वो नहीं है जो आज बतौर एबार्शन हो रहा है और एबार्शन की मुख्त शक्लें चाहे वो ऑपरेशनल हो चाहे वो मेडिसिनल हो वो तो है ही लेकिन कसले नफ्स एक बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है तबाही की शक्ल अख्तियार कर ली है और इसी को अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में और दूसरी आयत में इस बात को ज़िक्र किया है कि ज़हर अलफसादरबहत ना हमारे अपने हाथों की कमाई से बहर उबर में फसाद बरपा हो चुका है अब यहाँ देख लीजिए मैंने कहा था ना कि एक लफ्ज तबाही और बर्बादी का क्या है इस्तेमाल किया असलाही तौर पर कुरान ने वो फसाद का लफ्ज़ है यानी अल्लाह ताला ने जो फितरत बनाई है इस कायनात की उस फितरत में बिगाड़ पैदा हो रहा है जिसको आज हम लोग कहते हैं कि माहोलيات तो इस माहोलيات को ठीक करने की जिम्मेदारी भी किसकी है वुमेन की है वला याक्तुलूना नफ्सा लती حرم الله الا بالحق और इसका नेक्स्ट टुकड़ा रहा है वला यजुनून और आखिर दा माने